मैं आप सबका स्वागत करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के जितने भी मंच आप लोग संभालते हैं और पूरी दुनिया में किसान आंदोलन जो कि आज एक देश का ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है, जिसमें यूएनओ ने भी अब हस्तक्षेप किया है, वो भी आगे आए हैं समर्थन में। मैं आपका स्वागत करता हूँ। दो तीन बिंदुओं पर आज मैं खास आपका ध्यान दिलवाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो जो 8 दिसंबर को सभी किसान संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया है, न्योता दिया है, आम आदमी पार्टी पूरी तरह से भारत बंद के इस न्योते को समर्थन देती है। पहले से हम पंजाब में जब 4 महीने से ये चल रहा था संघर्ष, तब भी हम चाहे वो ट्रैक्टर मार्च हो, चाहे कोई धरना हो, चाहे कोई उन्होंने चक्का जाम, जो भी इन काले कानूनों के विरोध में आह्वान दिए हैं, हम उनका समर्थन करते आए हैं। और मैं आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली श्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी देश की सभी राजनीतिक पार्टियों को और सभी वर्ग के लोगों को ये आह्वान करता हूं कि वो 8 तारीख के इस बंद का पूर्ण रूप से समर्थन करें, क्योंकि ये किसी राजनीतिक दल का या किसी धार्मिक संगठन का या जिस किसी विशेष प्रांत का मुद्दा नहीं है, ये पूरे देश का मुद्दा है और पूरे देश के किसानों का, उनकी जमीनों से जुड़े हुए, उनके चूलों से जुड़े हुए आंदोलन का मुद्दा है। आप देख रहे हैं कि सरकार किस अहंकारी रवैये से, अड़ियल रवैये से और टाल मटोल की नीति से चल रही है। किसान संगठनों को हर दूसरे तीसरे दिन बुलाकर 7-7 घंटे, 8-8 घंटे, 5 घंटे मीटिंग पे मीटिंग चलती है और देर रात तक कई बार मीटिंग चलती है और नतीजा कुछ भी नहीं निकलता। नियत साफ हो तो इतनी मीटिंग्स की जरूरत नहीं होनी चाहिए, नियत साफ हो तो कुछ मिनटों में इस मसले का हल हो सकता है। इतनी लंबी मीटिंग क्यों चलती है? क्योंकि जो मंत्री जी शामिल होते हैं, चाहे वो नरेंद्र सिंह तोमर हों, चाहे वो पीयूष गोयल जी हों, चाहे सोम प्रकाश जी हों, उनको कोई फैसला लेने का अधिकार नहीं है वहां पे। पहले वो 1 घंटा किसानों की बात सुनते हैं, फिर वो दूसरे कमरे में जाकर अपने आकाओं को फोन करते हैं, क्या हुक्म है मेरे आका, फिर उधर से बात होती है, फिर आके ये बात करते हैं, फिर किसान उसका जवाब देते हैं, फिर दूसरे कमरे में जाते हैं। अगर उनके पास फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं है तो उनको क्यों भेजा जाता है? क्यों टाइम खराब कर रहे हैं किसान संगठनों के जो नेता वहां पे जाते हैं? सीधे क्यों नहीं आ जाते अमित शाह जी या मोदी जी? अगर उनसे बात ही उन्होंने उनसे पूछ कर करनी तो सीधे बात करें किसानों से। हां, मुझे इतना पता है जिस दिन अमित शाह जी किसान संगठनों की वार्ता में शामिल हो गए, आप समझ लेना उस दिन इसका मतलब कुछ अनाउंसमेंट होगी, क्योंकि क्रेडिट लेने के लिए वो दोनों ही हैं और तो कोई नजर नहीं आता। तो ये टाल मटोल की नीति जो है वो छोड़नी चाहिए। संसद का विशेष सत्र बुलाकर इन तीनों काले कानूनों को रद्द करने का प्रस्ताव लेके आना चाहिए। मैंने भी लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी थी 2 तारीख को, और इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट 2020 उस बिल को टेबल ना किया जाए, ये मांगे। लेकिन ये बीजेपी की सरकार का एक बात मुझे समझ नहीं आई
ये एनआरसी और सीएए का कानून बनाकर मुसलमानों को कहते हैं आपको अभी इस कानून की समझ नहीं आई, बहुत ही फायदे का कानून है, आपको हम समझाएंगे। ये जीएसटी का कानून लागू करके व्यापारियों को कहते हैं आपको अभी इस कानून की समझ नहीं आई, बहुत ही फायदे का कानून है, हम आपको समझाएंगे। ये नोटबंदी लागू करके लोगों को कहते हैं अभी आपको इसके फायदे समझ नहीं आए, बहुत ही फायदे के हैं, हम आपको समझाएंगे। ये खेती के कानून लागू करके किसानों को कहते हैं आपको अभी इसकी समझ नहीं आई, बहुत ही फायदे के कानून है, हम आपको समझाएंगे। ये किस ग्रह से आए हैं भाई बीजेपी वाले कि हमें इनकी कुछ समझ नहीं आ रही। तो मतलब तोमर साहब क्या कह रहे हैं कल की मीटिंग के बाद कि वहां आंदोलन में बुजुर्ग और बच्चे और बुजुर्ग महिलाएं बैठी हैं, बहुत ठंड है, इसलिए वो अपने घरों को वापस चले जाएं। तोमर साहब दो बातें मैं कहना चाहूंगा। पहली बात तो अगर उनको सचमुच में आप उनकी सेहत के इतने बड़े चिंतक हो, उनकी चिंता करते हो, तो कानून वापस ले लो, वो खुशी खुशी वापस जाएंगे। और नंबर दो पर अगर आप चाहते हो कि जितने दिन हम आंदोलन को लंबा करेंगे शायद धीरे धीरे लोग कम होते जाएंगे, जी आपकी गलत फहमी है। जितने दिन ये आंदोलन लंबा होगा लोग बढ़ते जा रहे हैं। मैं भी हर रोज बॉर्डर पे जाके आता हूँ, कल भी सिंघू बॉर्डर पे गया था। आम आदमी पार्टी की तरफ से जो भी सुविधाएं हैं वहां पे हम उसका संज्ञान लेते रहते हैं, उनका जायजा लेते रहते हैं, क्या कमी है, क्या और कुछ हो सकता है अच्छे से उनकी खातरदारी में। तोमर साहब ये गुरु गोविंद सिंह जी के वारिस आए हुए हैं। 27 दिसंबर को छोटे साहबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह जी को ठंडे बुर्ज में सरहंद में दीवार में चनाया गया था। तो ये वही अन्नदाता हैं जो 50 डिग्री सेल्सियस तापमान में अपने पसीने से खेत को सींचता है और 0 डिग्री टेम्परेचर की रातों को, जिनको पंजाबी में पो माघ की रातें बोलते हैं, ये दिन हैं जो चल रहे हैं, अपनी फसल को ठंडे पानी से सींचता है। तो किसानों को किसी मौसम से मत डराना, ये हर मौसम में मेहनत करके मिट्टी से मिट्टी होकर ये सोना उगाने वाले हैं। सिर्फ एक ही हल है, इस बिल को वापस लो और जो जिन ट्रैक्टरों के मुंह दिल्ली की तरफ हैं उन ट्रैक्टरों के मुंह जो हैं वो खेतों की तरफ हो जाएंगे। अगर जीएसटी बिल लागू करने के लिए आधी रात को 12 बजे पार्लियामेंट खुलवाया जा सकता है तो इन कानूनों को वापस लेने के लिए क्यों नहीं खुलवा सकते? आधी रात को सुप्रीम कोर्ट को भी खुलवा लेते हैं फैसले करवाने के लिए। तो क्या समझते हैं ये कि मतलब ऐसे लोग ये यहां से धीरे धीरे चले जाएंगे? जितनी बाधाएं यहां तक आने में डाली हैं उन्होंने, कोई एक बाधा उनको रोक पाई है? पर नहीं, अड़ियल रवैया। और ये अब किसान ये कह रहे हैं अब ये हाईवे नहीं, ये माईवे है, अब ये आंदोलन का रास्ता है। पूरे देश के लोग भले ही किसी और कारोबार से जुड़े हों, वो आके वहां अपना धर्म अपना फर्ज समझते हैं इस आंदोलन में अपना हिस्सा अपना योगदान देने को। और ये कितने तरीकों से इस आंदोलन को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, कभी कुछ बोल देते हैं कभी कुछ बोल देते हैं, लेकिन किसानों की खास तौर पे जो बैठे हैं वहां पे उनकी एकता और शांतिपूर्वक ढंग से जिस तरीके से चल रहे हैं इस बात की तारीफ होनी चाहिए। और ऊपर से वो कैप्टन साहब, ये तो बच्चे बच्चे को पता है पंजाब में तो कि कैप्टन और बादल अंदर से एक हैं, असल में इनके फ्रेंडली मैच कई सालों से दहाकों से इनके फ्रेंडली मैच की वजह से ही ये दिन देखने पड़ रहे हैं। इनके फ्रेंडली मैच की वजह से ही पंजाब के लोग ये सजा भुगत रहे हैं। और इन दोनों के, इन बादल और कैप्टन पर भ्रष्टाचार के अनेकों जो है पर्चे हैं, इन पर आरोप हैं, तो इनकी फाइलें ईडी के पास पड़ी हैं, तो ईडी के जो ईडी का जो ताला है उसकी चाबी मोदी जी के पास है। तो ये तो अपने आप को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये किसानों की लड़ाई कतई नहीं लड़ रहे। सो इसलिए
जब ये किसान पंजाब से आ रहे थे दिल्ली की तरफ, तो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को दिल्ली पुलिस ने कहा, केंद्र सरकार ने कहा, 9 स्टेडियम दे दो, हमने जेल बनानी है। क्यों भाई? कुछ जंगी कैदी रखने हैं आपने वहां पे? कुछ देश के दुश्मन आ रहे हैं? कोई इनका मकसद था इनको अलग अलग जेलों में बंद करके इस आंदोलन को खत्म करने का, कुचलने का। लेकिन अरविंद केजरीवाल की सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी ने इसकी अनुमति नहीं दी कि ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने आ रहे हैं, संविधान में हक है, हम जेल बनाने नहीं देंगे किसी भी स्टेडियम को। तो उस बात से चिढ़े हुए हैं। अब कोई आरोप लगा देते हैं, कभी कोई कुछ आरोप लगा देते हैं, लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी जो है वो सेवा भावना से वहां सेवादार बन के काम कर रही है। उनके लिए मेडिकल फैसिलिटी, उनके लिए एम्बुलेंसेस, मोबाइल डिस्पेंसरीज, पानी पीने का और कंबल, मैट्रेस, कुछ भी अगर उनको चाहिए हुआ है तो हमारी टीमें जो हैं वो बिना किसी आम आदमी पार्टी का झंडा लिए या कोई कोई बैच लगा के या कोई टोपी पहन के, तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, मंत्री, एमएलए सबको अरविंद केजरीवाल जी का एक ही निर्देश है कि हमने सेवा करनी है। और सेंट्रल सरकार से हम आग्रह करते हैं कि कृपया इन कानूनों को वापस लें और किसानों का सम्मान करें, उनके दर्द को समझें, उनकी भावनाओं की कदर करें। अब कैसी विडंबना है कि लोकसभा और राज्यसभा में यस और नो के ध्वनि मत से पास करवाए जबरदस्ती ये बिलों को रद्द करवाने के लिए अब किसान संगठन भी यस और नो का इस्तेमाल कर रहे हैं। कल भी उन्होंने कहा कानून वापस ले रहे हो, यस और नो। तो पहले आप, आपको सब आपके कैमरों के जरिए पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से जो बिल पास करवाए गए, जो इस बिल के पक्ष में हां कहें, जो इस बिल के पक्ष में नहीं ना कहें, हां वालों की जीत हुई, हां वालों की जीत हुई, ऐसे करें। तो अब रद्द करने के पक्ष में भी अब सरकार कह रही है हमें 4 दिन चाहिए सोचने के लिए। उस दिन विभाजन के लिए, वोटिंग के लिए, डिवीजन के लिए 40 मिनट भी नहीं दे दिए उन्होंने। तो ये तानाशाही रवैया ये लोगों के जोश को ठंडा नहीं कर पाएगा। हर उम्र का व्यक्ति, हर धंधे से जुड़ा व्यक्ति वहां है। किसी ने बादाम का लंगर लगाया, कोई उनको शैम्पू और टूथपेस्ट वगैरह बांट रहे हैं, कोई जो जिस तरीके से जिसका भी योगदान पड़ता है, ये जन आंदोलन है, ये लोक आंदोलन है। और लोग जब इकट्ठे हो जाते हैं तो बड़े बड़े तख्त हिल जाते हैं। मोदी जी को ये तानाशाही रवैया छोड़ना पड़ेगा और उनको किसानों की ये जायज मांगें जो हैं वो जो पूंजीपतियों को उनकी जमीन और उनके खेती करने के अधिकार को पूंजीपतियों के हवाले करता है, उसको रद्द करना पड़ेगा। जितनी देर भी ये आंदोलन चलेगा, आम आदमी पार्टी सेवा भावना से, राजनीति से ऊपर उठकर उनके साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। और जो व्यक्ति ये सोच रहा हो, अगर कोई पार्टी, कि शायद हमें कोई इससे राजसी या पॉलिटिकल कोई माइलेज मिल जाएगी, तो ये बहुत गलतफहमी में है, क्योंकि ये लोगों का आंदोलन है और लोग ही इसमें जीतेंगे और लोगों को ही जीतना चाहिए। कोई सवाल? सर, मेरा कहना है कि जो केंद्र सरकार जो है तारीख पे तारीख दे रही है, इस पे इनको कोई रणनीति है? आपका जो आह्वान था किसान आंदोलन का कि 8 तारीख को ऑल ओवर इंडिया बंद रहे, जी ये किस तारीख को, 7 तारीख भी बोल सकते थे कि 9 तारीख को मीटिंग करेंगे, बिल्कुल, इसके पीछे रणनीति क्या है? या कुछ तोड़ना चाह रहे हैं? शायद। हाँ, बिल्कुल सही है सवाल है आपका कि पहली बात तो कोई मुहूर्त तो नहीं निकलवाया ना 9 तारीख को, पहले इससे पहले जो 3 तारीख को कह रहे थे, ठीक है ना, कल से पहले 3 तारीख थी। लेकिन अगर नीयत साफ होती कि इन बिलों को वापस ही लेना है, एक तरफ तो 3 तारीख को बुलवावा आया है, दूसरी तरफ जो 3 तारीख से पहले वाला संडे है, मन की बात में प्रधानमंत्री जी बिलों की तारीफ कर रहे हैं, बुला भी रहे हैं बात करने के लिए और तारीफ भी कर रहे हैं, समझाएंगे, आपकी आशंकाएं दूर करेंगे,
किसान समझ चुके हैं अभी आशंका जो है वो बीजेपी की गवर्नमेंट को है। किसान तो समझ के उनको समझा भी चुके हैं ये क्लॉज है, अब ये भी कह रहे हैं कि अमेंडमेंट करने के लिए तैयार हैं, इतनी अमेंडमेंट, इसका मतलब ये तो मान गए ना कि इसमें इतनी कमियां हैं अमेंडमेंट के लिए माने। पहले तो ये बात ही नहीं करते थे किसी लेवल पे, नहीं 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 बहुत अच्छा कानून है समझा देंगे। तो ये 9 तारीख देना और इसके बाद कोई तारीख पे तारीख, जैसे आपने कहा है, इसमें इनकी रणनीति यही है कि इस आंदोलन को लटका लो, इन द मीन टाइम इनको भटका देंगे, इनको विषय से भटका देंगे, ये तो गुंडागर्दी करने आए हैं, ये तो एंटी नेशनलिस्ट हैं, ये तो वो हैं, वो हैं। ये वो लोग हैं सर वहां जो आए हुए हैं जो पक्षियों के लिए भी, जनौर बोलते हैं पंजाबी में, पक्षियों के लिए भी अपने खेत में दाना छोड़ते हैं कि जो इनको रिज़्क दिया है भगवान ने वो यही लिखा है। तो उनको आप एंटी नेशनल बोल रहे हो, और जितने भी फौज के जवान हैं ज्यादातर वो भी किसान के बेटे हैं, वो सरहद दुश्मन की सरहद पर बैठे हैं, उनके माता पिता इस उम्र में 70 साल की उम्र है, 80 साल की उम्र में वो दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं। मतलब जय जवान और जय किसान के नारे का जो तहस नहस इस गवर्नमेंट ने किया है वो पहले कभी नहीं देखा गया था। तो ये टालने की रणनीति है, इनको ये लगता है कि जितना हम लटकाएंगे उतना धीरे धीरे लोग जो है ऊब कर कि यार अब तो लंबा हो गया संघर्ष, पता नहीं क्या बनेगा, शायद काम हो जाएंगे। लेकिन आप वहां जाकर देखो, आपके बहुत से नामनिगार वहां बैठे हैं, हर रोज ट्रॉलीज आ रही हैं, हर रोज बढ़ रही है गिनती, गुजरात से भी आ गए, उत्तराखंड से भी आ गए, इधर गाजीपुर वाला बॉर्डर भी फुल हो गया, नोएडा वाला बॉर्डर भी फुल हो गया, दिल्ली आगरा बॉर्डर भी भर गया। तो ये अब एक प्रदेश के जहां एक पहले ये कह रहे थे पंजाब के किसानों की दिक्कत है, हरियाणा के किसानों की, असल में आजादी के संघर्ष में भी पंजाब ने लीड किया था, लेकिन आजादी पूरे देश को मिली थी। इसमें भी इन कानूनों को वापस करवाने के लिए पंजाब और हरियाणा लीड कर रहे हैं, इन कानूनों से, काले कानूनों से आजादी पूरे देश को मिलेगी। तो इसलिए ये मत समझे, गलतफहमी मत रखे सरकार कि हम इनको एक दो तरीके इधर उधर करके मतलब हम इस संघर्ष को फीका कर देंगे या इसकी धार को वो थोड़ा मतलब लटका देंगे। शाहिद बाग का सर जी, किसी और का सवाल बंटू वन मत कीजिए, किसी और का भी है। वहां पे इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए बड़े बड़े खिलाड़ी भी सामने आ रहे हैं, विजेंद्र सिंह ने घोषणा की कि अगर वापस नहीं हुआ तो अपना अवार्ड लौटाएंगे। देखिए जो खिलाड़ी हैं उन्होंने अपने टैलेंट के बल पर ये अवार्ड जीते हैं, तो अवार्ड लटाने का मतलब है कि अगर उनके देश और उनकी धरती और उनके मतलब जमीन, उनके प्रदेश की आन बान शान को अगर कोई मिटाना चाहता है तो उसके बदले ये अवार्ड हम वापस करेंगे। हमें अपनी मिट्टी से प्यार है, ना कि किसी अवार्ड से। सो अवार्ड वापस करना खास तौर पे खिलाड़ियों का या नॉन पॉलिटिकल लोगों का ये अच्छा संकेत है। इससे पहले भी जब पत्रकारों पर हमले होते थे तो बहुत से बुद्धिजीवियों ने, बहुत से राइटरों ने, लेखकों ने अपने अवार्ड वापस किए थे। तो मतलब इससे ये सिद्ध होता है कि हर वर्ग का आदमी, चाहे वो राइटर है, चाहे कोई एनजीओ है, कोई धार्मिक संगठन है, वो इन काले कानूनों के खिलाफ है। और जो मोदी गवर्नमेंट है, अब यूएनओ ने भी अब तो कल जो है ये वक्तव्य दिया है कि शांतिपूर्ण जो जहां भी दुनिया में शांतिपूर्ण जो आंदोलन है उनके लिए स्वीकृति देनी चाहिए। थैंक यू।